एजेंट की तरह जाना जाता है। वो जब जब बीजेपी जहां जहां खतरे में होती है वहां ओबीसी जी सामने आ जाते हैं। दोनों का ही ध्यान तुष्टीकरण की ओर रहता है। अल्पसंख्यकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का जो यह प्रयास कांग्रेस और ओबीसी कर रहे हैं उसको किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। जाति रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा, हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। अयोध्या का मामला कोर्ट से सुलझ गया और वहां पर मंदिर बन चुका है, लेकिन ऐसे कई मामले देश भर में हैं जिन पर सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं। कोर्ट में भी है मामले, काशी का ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो या फिर धार की भोजशाला का मामला हो, लेकिन अब इस फहरिस्त में एक नाम और जुड़ता नजर आ रहा है और वो है बीजा मंडल। क्या है ये बीजा मंडल, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये मामला आगे बहुत गूंजेगा भी और इस पर सियासत भी खूब परवान चढ़ सकती है और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। शुरुआत की है AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी ने दरअसल एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में क्या लिखा है ये पहले आपको बताते हैं। दरअसल ओवैसी की तरफ से जो लिखा गया उसमें उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में संघ के संगठनों ने यह मांग रखी थी कि उन्हें मस्जिद में पूजा की इजाजत दी जाए। आगे लिखते हैं कि इस मांग पर जिला कलेक्टर ने मांग को ठुकराते हुए बताया कि ASI की गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक वो इमारत एक मस्जिद थी। इसके बाद ओवैसी ने यह भी लिखा कि कलेक्टर का तबादला इसीलिए कर दिया गया क्योंकि वो कानून के हिसाब से काम कर रहे थे। ओवैसी ने इसे वक्फ संशोधन बिल से भी जोड़ा और यह कहा कि यह वक्फ संशोधन बिल का खतरा है, सरकार कलेक्टर को व्यापक अधिकार देना चाहती है ताकि अगर कोई कहता है कि मस्जिद मस्जिद नहीं है तो या तो कलेक्टर को भीड़ की मांगों को मानना होगा या फिर उसका तबादला कर दिया जाएगा। ओवैसी ने यह सवाल और ट्वीट दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित बीजा मंडल को लेकर किया है, क्योंकि बीते दिनों यहां पर कुछ लोगों ने नाग पंचमी के पर्व से पहले यहां लगे ताले को खोलने की मांग की थी। इसे लेकर जिला प्रशासन को एक आवेदन तक दिया गया था, लेकिन कलेक्टर ने इस मांग को यह बताते हुए खारिज किया कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक यह मस्जिद है और इसीलिए यहां का ताला नहीं खोला जा सकता। इसके कुछ ही दिनों बाद कलेक्टर विदिशा बुद्धेश कुमार वैद्य का तबादला हो गया। हालांकि केवल विदिशा कलेक्टर का ही तबादला नहीं किया गया बल्कि प्रदेश में कुल 28 कलेक्टर्स का तबादला हुआ और बीजेपी के साथ ही सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि सामान्य प्रशासनिक बदलाव यह किया गया है, इसमें किसी खास नियत से कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री को भी इस मामले पर जवाब देना पड़ा और उन्होंने कहा, जाति रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जाति रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा, हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। जाति रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा, हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। वहीं इस मामले पर जैसे ही ओवैसी का ट्वीट सामने आया मध्य प्रदेश की सियासत का पारा और चढ़ गया। कांग्रेस ने भी लगे हाथ इस पर सवाल उठा दिए। एक तरफ कांग्रेस ने यह कहा कि ओवैसी तो बीजेपी की ही बी टीम के रूप में काम करते हैं और जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि इस पर सियासी खेल खेला जा सके। आज मध्य प्रदेश में अपराध का स्तर देखिए, मध्य प्रदेश में चारों तरफ अपराध बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो प्रोपोगंडा फैलाने के अलावा भाजपा के पास में बचा क्या है। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप प्रदेश के मुखिया के साथ साथ आपने एक जिले का प्रभार ले लिया, आंतरिक कलह से जूझती भाजपा कहीं ना कहीं आम जनता का ध्यान भटकाने का यहाँ पे प्रयास कर रही है। भाई कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ, हम बिल्कुल मानते हैं रूटीन में होना चाहिए था। अब ओबीसी जी कौन है, ओबीसी जी की टिप्पणी पे हम पूरी चर्चा रख लेते हैं। ओबीसी जी तो बीजेपी के एजेंट है ना, पूरे देश भर में ओबीसी जी को बीजेपी के एजेंट की तरह जाना जाता है। वो जब जब बीजेपी जहां जहां खतरे में होती है वहां ओबीसी जी सामने आ जाते हैं, तो निश्चित ही जिस तरीके से मोहन यादव जी को ओबीसी जी के ऊपर टिप्पणी करने में समय मिल जाता है। आज मध्य प्रदेश में जब महिलाओं के ऊपर अपराध होते हैं, पास्को की एक पीड़िता कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ बयान देने जाती है, वहां से उसका अपहरण
बैन कर लिया जाता है। आज वन रक्षक के ऊपर उसको गाड़ी से रौंद के मार दिया गया, उस पर टिप्पणी करने की जगह ओवैसी क्या कह रहा है उस पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का ध्यान है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ही दूसरा पहलू दिखाया और कहा कि क्या विदिशा कलेक्टर को सांप्रदायिक विवाद रोकने की सजा मिली है और क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सांप्रदायिकता फैलाने वालों के साथ खड़ी है। ये ओवैसी के साथ वाली बात हो गई। जिस तरह से आनंद फानंद विदिशा कलेक्टर को हटाया गया है उसमें साफ दिख रहा है कि उनको सांप्रदायिक विवाद को रोकने की सजा दी गई है। ये स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार सांप्रदायिकता फैलाने वालों के समर्थन में है, उनके पक्ष में खड़ी है, ना कि उनके पक्ष में जो सांप्रदायिकता रोकने का काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस की ओर से ऐतराज उठाए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि हम तो शुरू से कहते हैं कि ओवैसी और कांग्रेस की विचारधारा एक जैसी है और इसीलिए इस तरह के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। देखिए, हम शुरुआत से ही ओवैसी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता उसमें एक रूपता की बात को रेखांकित कर रहे थे। दोनों का ही ध्यान तुष्टिकरण की ओर रहता है, अल्पसंख्यकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का जो यह प्रयास कांग्रेस और ओवैसी कर रहे हैं उसको किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक तय प्रशासनिक सर्जरी की गई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन में ऊर्जा स्फूर्त करने के उद्देश्य से एक नई विचारधारा और एक नई सोच के साथ तमाम अधिकारियों को कार्य के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से नए व्यवस्था के तहत उनको विभिन्न जिलों में पोस्टिंग दी है। अब जाहिर है कि सबके मन में सवाल तो उठने ही लगा है कि बीजा मंडल है क्या, इसका सच आखिर क्या है। तो एक तरफ कलेक्टर ने एएसआई के गजट नोटिफिकेशन का हवाला दिया और इसे मस्जिद बताया, तो वहीं दूसरी तरफ गूगल पर जब आप बीजा मंडल सर्च करते हैं तो विकिपीडिया का एक पेज सामने आता है और इस पेज पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक भी बीजा मंडल, जो कि कभी विजया मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, कालांतर में यह बीजा मंडल हो गया। इसमें भेलसा का भी जिक्र आता है। दरअसल भेलसा विदिशा का पुरातन नाम कहा जाता है। पेज पर जो लिखा है उसे अगर समझा जाए तो इसमें क्या लिखा गया है आपको अक्षरशः बताते हैं। इसमें बताया गया कि विदिशा के किले की सीमा के अंदर पश्चिम की तरफ अवस्थित इस मंदिर के नाम पर ही विदिशा का नाम भेलसा पड़ा। सर्वप्रथम इसका उल्लेख 1024 में महमूद गजनी के साथ आए विद्वान अल बरूनी ने किया। अपने वक्त में यह देश के विशालतम मंदिरों में से एक माना जाता था। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार यह आधा मील लंबा चौड़ा था। इसकी ऊंचाई 105 गज थी जिससे इसके कलश दूर से दिखते थे। दो बाहरी द्वारों पर भी चिन्ह मिलते हैं। सालों भर यात्रियों का मेला लगा रहता था तथा दिन रात पूजा आरती होती रहती थी। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने अपनी विदिशा विजय के उपरांत किया। हालांकि इतना ही नहीं, जानकारी तो और भी दी गई है लेकिन एएसआई का गजट नोटिफिकेशन कुछ और बताता है। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में इस पर खूब सियासी रंग देखने को मिलेंगे। अब इस सियासी रंग से क्या बीजा मंडल क्या है, इसका सच बाहर आ पाएगा, यह कहना फिलहाल तो मुश्किल है।